We came to Grishtheshwar temple, right? Yeah, but we didn't take the photos because it's restricted. Yeah, we took only some because we weren't able to take many because it was हम यहाँ पर आए हैं कृष्णेश्वर मंदिर। एक्चुअली हम लोग का जर्नी बहुत ही इत्तेफाक से स्टार्ट हुआ था। सोचे नहीं थे कि हम लोग ये जर्नी इतना जल्दी, मतलब इतना आसानी से हम लोग तय कर पाएंगे, पर भगवान का बुलावा आया तो हमें तो जाना ही पड़ा और यहाँ पर आना ही पड़ा। तो बेसिकली हम लोग का क्या हुआ कि स्टार्टिंग हम लोग फर्स्ट डे का जर्नी जो कहते हैं बैद्यनाथ धाम था, एंड वहाँ से हम लोग फिर माजली गांव में गए थे। वहाँ पर हम लोग अनिल लॉज में रहे, एंड अनिल लॉज में हमें रूम मिला करीब 1200 रुपये का, एंड इट वाज ठीक है, ठीक ठाक है। लेकिन वहाँ से जब निकले हम लोग औरंगाबाद के रूट से कृष्णेश्वर मंदिर के लिए, काफ़ी आई कांट से दैट इट वाज लाइक मार्वलस। क्योंकि लिए रोड इतना बेहतरीन था कि पता ही नहीं चला कि हम लोग टेम्पल इतना जल्दी वापस आ गए और हम लोग के दर्शन भी हो गए। और इसी बहुत आसानी से, यू नो, काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं था, कोविड का समय था, पर जो भी था दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गया। लेकिन हमें वीडियो निकालने का अंदर में जो परमिशन नहीं मिला था, रेस्ट्रिक्शन था फ़ोन का, तो इस कारण हो नहीं पाया। बट देन ठीक है, पूरा दर्शन बहुत अच्छा हुआ और आज का ट्रिप का भी कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छा था। क्योंकि लिए अगर जर्नी अगर आसान होता है और भगवान का बुलावा आता है तो सब कुछ रास्ता काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब हम लोग शिरडी के लिए रवाना हो रहे हैं, और शिरडी करीब करीब यहाँ से हमें 20 या 25 किलोमीटर है। अगेन यू टर्न करना है, कृष्णेश्वर के सेम रोड से यू टर्न करके जाना है। तो कृष्णेश्वर मंदिर और शिरडी काफ़ी नज़दीक है। एक्चुअली औरंगाबाद आप आ गए तो शिरडी भी आप लगभग आ ही चुके होंगे 90%। तो यही मैं सोच रही हूँ कि आगे का दर्शन आज का कैसा रहेगा शिरडी में, बट जैसा भी है अल्टीमेटली मैं बहुत खुश हूँ कि हमने अभी दर्शन कर लिए। मेरा मन तो कह रहा है कि एक्चुअली हम लोग ये सेकेंड टाइम कर रहे हैं दर्शन। हम लोग एक्चुअली सब ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए थे, बट तब हम लोग वीडियो निकालते नहीं थे। लेकिन अब हम लोग वीडियो जब निकालना शुरू किए इत्तेफाक से ये कोविड के समय में, तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर से वही दोहराया जाए और हम आपको भी दिखाए कि कैसा है दृश्य यहाँ पर, और आपको प्रेरित किया जाए कि ताकि आप लोग भी आके यहाँ पर दर्शन करें। और भक्तों को आना चाहिए लाइफ में एक बार और दर्शन करें, ताकि उनका ब्लेसिंग्स हमें हमारे सर पर हमेशा रहे। क्योंकि आज के हालात बहुत ही मुश्किल और कठिन हो गए हैं, तो यही एक प्रयास है कि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम जर्नी करें और आप सबको दिखाया जाए और आप सब इंस्पायर होकर आप भी दर्शन करना शुरू करें। सो बाय फॉर नाउ। That is the main temple. Yeah.
ओम।